दोस्तों मैं आपको शुरुआत में ही बोल दूं कि वीडियो को छोड़कर आप कहीं मत जाइएगा, सीधे वीडियो शुरू करेंगे क्योंकि वीडियो इतनी शानदार है जिसकी तलाश आप मैं हम सब लोग न जाने कब से कर रहे थे। बिना कहे आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे और नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद भी लिख देंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हम लोग काफ़ी परेशान होते थे इस बात को जानकर कि पाकिस्तान के पास भारत से 10 की संख्या में ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और वो भी तब जब उसकी इतनी हैसियत नहीं है। लेकिन अभी लास्ट मंथ सिप्री के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें हमें बहुत तसल्ली देने वाली खबर दी गई कि भारत ने अब ये आंकड़ा 10 से घटाकर 5 तक ले आया है, यानी भारत ने 5 न्यूक्लियर वेपन्स और बना लिए हैं और पाकिस्तान के पास भारत से अब केवल 5 की संख्या में न्यूक्लियर वेपन्स ज़्यादा हैं। लेकिन चाइना का क्या? चाइना के पास भारत से कई ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है, लगभग 2 गुने। दूसरी बात, एक बार चाइना की तरफ से ये कहा गया था, जब चाइना से ये पूछा गया कि आप भारत को किस तरह से हैंडल करेंगे, वो तो न्यूक्लियर वेपन्स रखते हैं, अगर उन्होंने आपके ऊपर न्यूक्लियर वेपन दाग दिया तो चाइना की तरफ से कहा गया था कि अगर वो लोग एक न्यूक्लियर वेपन दागेंगे उसके बाद हम लोग भारत को ऑल टुगेदर समाप्त कर देंगे, यानी वो इतने न्यूक्लियर वेपन्स दागेंगे भारत के ऊपर कि भारत अस्तित्व अपना खो देगा, क्योंकि उसके पास ऑब्वियसली ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है। उसने यही बताने की कोशिश की कि भारत से कई गुना ज़्यादा न्यूक्लियर क्षमता हमारे पास है। अब ऐसी परिस्थिति में भारत करे तो क्या करे? अभी हम लोग हालिया समीकरण भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान हो या फिर चाइना हो, ये लोग हमें चौतरफा घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इन सभी को काउंटर करने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स तो हमें चाहिए ही चाहिए। अब ऐसी परिस्थिति में अमेरिका की संस्था ने बहुत तगड़ा खुलासा किया है। वो क्या किया है देखिए। दरअसल अमेरिका की एक संस्था है FSA, यानी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट। इन्होंने दरअसल अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि हम लोग काफी समय से नोटिस कर रहे हैं भारत लगातार नई नई न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स बनाते जा रहा है। हम लोग भी देख रहे हैं लगातार मिसाइलों के टेस्ट वगैरह किए जा रहे हैं, अलग अलग तरीके की कई सारी मिसाइलों के जखीरे हमने बहुत ज्यादा बढ़ा लिए हैं। तो ऑब्वियसली इनका इस्तेमाल करने के लिए, इन्हें फुलफिल करने के लिए हमें और ज्यादा संख्या में न्यूक्लियर वेपन्स तो चाहिए ही होंगे। तो इन्हीं सब की तैयारी करते हुए भारत ने 140 से लेकर 110 नए परमाणु बम बनाए जा सके इतना मिलिट्री प्लूटोनियम पैदा कर लिया है। अभी मजा आएगा ना? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भारत ने 210 न्यूक्लियर वेपन्स और बनाए जा सके इतना प्लूटोनियम, जो विस्फोटक पदार्थ होता है जिससे न्यूक्लियर बम बनता है, वो पदार्थ इकट्ठा कर लिया है। जब चाहे तब हम लोग 210 की संख्या में, 140 से 210 की संख्या में न्यूक्लियर बम बना सकते हैं। तो अब आप काउंट करके नीचे कमेंट करके बताइएगा कि ये कितनी संख्या हो जाएगी। 160 ऑलरेडी हैं और 210 की संख्या में बनाए जा सकते हैं। और इसके अलावा एक और खुलासा किया गया है कि भारत ने न केवल न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए क्षमता बढ़ाई है, बल्कि इन बॉम्ब्स को दागने के लिए 4 नए सिस्टम भी तैयार किए हैं, ताकि आज की कंडीशंस को देखते हुए भारत फाइटर जेट से, जमीन से, समुद्र से, कहीं से भी न्यूक्लियर वेपन्स की डिलीवरी कर दे। ये जो दावा किया गया है कि 140 से लेकर 210 नए न्यूक्लियर वेपन्स भारत बना सकता है, इसके लिए जो प्लूटोनियम भारत ने जमा किया है उसका भार है 70 से लेकर 150 किलो, यानी इतना सारा न्यूक्लियर आर्सेनल अब हमने तैयार कर लिया है। अब हम लोग भी समझ ही गए हैं, लेकिन रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि ये सारी चीजें चाइना को ध्यान में रखकर की गई है। जो पहले भारत के पास कम न्यूक्लियर वेपन्स थे, इसका कारण ये था कि पहले भारत केवल पाकिस्तान को ध्यान में रखता था, लेकिन अब सारा का सारा फोकस चाइना के ऊपर केंद्रित कर दिया है। ये जो अभी मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर वेपन्स डिलीवर्ड करने के लिए 4 नए सिस्टम तैयार किए हैं, जिससे आप हवा से, जमीन से, समुद्र सतह से, समुद्र के अंदर से, कहीं से भी न्यूक्लियर वेपन्स डिलीवर्ड कर सकते हैं। तो इस तरह के 2-2 सिस्टम्स बनाए जाएंगे, यानी 4 नए और बनाए जाएंगे, ताकि 2 सिस्टम हमारे पास हवा से दागने के लिए हो, 2 जमीन से, और सभी जगह से लगभग 2 माध्यमों से हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स दाग पाएं। ये क्षमता भारत के पास जल्द ही आने वाली है। कहने का मतलब कि भारत के पास सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी इतनी खतरनाक हो जाएगी कि भारत के ऊपर अगर किसी ने न्यूक्लियर वेपन्स दागा तो छोड़ दीजिए, दागने की धमकी दी, उसके बाद ही हम लोग उसे स्वाहा कर सकते हैं। इतनी ताकत भारत के पास आने वाले कुछ ही समय में आ जाएगी। आगे रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के द्वारा ये जो सैन्य प्लूटोनियम तैयार किया गया है, ये मुंबई स्थित बार्क द्वारा बनाया गया है, यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा। इसी के साथ साथ एक और तरह का प्लूटोनियम भारत तैयार कर रहा है, जिसका इस्तेमाल हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए करने वाले हैं, यानी जिससे एनर्जी जनरेट हम लोग कर पाए। साथ ही इस रिपोर्ट में एक और सनसनीखेज खुलासा किया गया है। हम सभी लोग जानते हैं कि भारत की इस समय जो परमाणु नीति है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, उसको भारत चेंज भी कर सकता है। बताया गया है कि पाकिस्तान और चाइना दोनों के लिए अलग अलग न्यूक्लियर पॉलिसीज को तैयार कर सकता है। यानी हो सकता है पाकिस्तान को ये कह दिया जाए कि जब आप पहले हमला करेंगे उसके बाद ही हम लोग हमला करेंगे आपके ऊपर, लेकिन चाइना को ध्यान में रखते हुए भारत ये निर्णय ले सकता है कि चाइना से हमें केवल खतरा महसूस होने के बाद ही हम लोग चाइना के ऊपर न्यूक्लियर वेपन से अटैक कर दें। इस तरह की भी नई नीति भारत द्वारा बनाई जा सकती है। तो कहने का मतलब भारत ने अपनी न्यूक्लियर ताकत को इस हद तक बढ़ा लिया है कि अब उसका कोई भी मुकाबला किसी के पास नहीं है। ये ठीक किया ना मैंने? वरना आए दिन
हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या?